शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी और खुशखबरी की खबर जो है हमारे युवाओं के लिए है। जितने भी युवा है जो कि बताना चाहेंगे जो बेल्ट फोर्स में जाने का कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं, और उनके लिए खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। क्योंकि अगर बात करें तो कांस्टेबल की भर्ती की तो ये 2019 के बाद अब ये प्रकाशित हो यानी एडवर्टाइज हो रही है, और ये युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जिसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी योग्यता को परखने का मौका है। बताना चाहेंगे आपको ये खबर है कि 422 पोस्ट जो है पुलिस कांस्टेबल की रेफर की गई है JKSSB को, यानी जम्मू कश्मीर सिलेक्शन सर्विस बोर्ड को ये रेफर की गई है। 4022 जो पोस्ट है यानी 4022 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। पूरी खबर क्या, ध्यान से सुनिएगा और इस खबर को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन युवाओं तक भी पहुंचे जो मन में इच्छा रखते हैं कि कहीं ना कहीं बेल्ट फोर्स में जाने के लिए। बताना चाहिए सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आई कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गृह विभाग ने यानी कि होम डिपार्टमेंट ने जेके पुलिस में कांस्टेबल की 4022 रिक्तियों को जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी JKSSB को भेज दिया है। और सूत्रों के आधार पर यह भी बताया जा रहा है, खबर मिल रही है प्रासंगिक रूप से, जेके पुलिस में कांस्टेबलों को पदों को आखिरी बार वर्ष 2019 में एडवर्टाइज किया गया था और अब लगभग 4022 पदों का विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यूटी पुलिस की महत्वपूर्ण सुरक्षा बल इकाइयों में कांस्टेबल के रैंक मजबूत होंगे। इससे विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में प्रभावी ढंग से निपटने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून परिवर्तन की क्षमता को मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको ये पहल न केवल जम्मू कश्मीर के समग्र सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने में योगदान देगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का द्वार भी खोलेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल स्तर पर भर्ती की अनुपस्थित के कारण जनशक्ति की यानी मैन पावर की कमी का तनाव महसूस कर रही थी, जो परिचालन तैयारी और वितरण तंत्र को प्रभावित कर रही थी। अधिकारियों ने बयान में यह साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं भर्तियां ना निकलने से यानी कि जो कांस्टेबल की भर्तियां नहीं निकली उसे ऑपरेशन रेडीनेस और साथ ही साथ डिलीवरी जो है मैकेनिज्म की उसमें काफ़ी बाधा आ रही थी। बताना चाहेंगे इन 4022 रिक्तियों में कौन कौन से पद हैं वो ध्यान से सुनिएगा, और जो भी युवा इस समय में देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन युवाओं तक भी ये जानकारियाँ पहुँचे और जल्द से जल्द वो इनमें भागीदारी लें। बताना चाहेंगे इन 4022 पदों में के अनुसार कांस्टेबल जेके सशस्त्र यानी कि बताना चाहेंगे जेके आर्मर्ड और आईआरपी के 1689 पद हैं, कांस्टेबल एसडीआरएफ के लिए 100 पद है, कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 502, कांस्टेबल ड्राइवर के 20 और कांस्टेबल फोटोग्राफी के पद 22 हैं, जबकि यूटी कैडर में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस की 1689 यानी कि 1699 रिक्तियां यानी कि है डिवीजन कैडर में जम्मू के लिए 1249 यानी 1249 पद हैं और कश्मीर के लिए 440 पद शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर 4022 पदों पर जो कि एडवर्टाइजमेंट की गई और जिसे जो पोस्टें हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यानी रेफर कर दी गई हैं। यानी एक सुनहरा मौका है जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो कहीं ना कहीं यानी कि बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं और काफी देर से यानी 2019 से ये लोग प्रतीक्षा में थे कब एडवर्टाइज होंगे और हम अपनी योग्यता के बल पर बेल्ट फोर्स में जाएंगे। अल्टीमेटली वो मौका आ गया है जो सूत्र हमें बता रहे हैं और जो खबर हम तक आ रही है कि फिलहाल 4022 नियुक्तियों की जो कि रेफर की गई पोस्टें जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर कर दी गई हैं और जल्द ही इसकी एडवर्टाइजमेंट जो होगी इसमें 4022 रिक्त जो स्थान भरे जाएंगे। और कौन कौन से ये स्थान होंगे, कौन किस पुलिस में होगा, ये ध्यान से हमारे जो व्यूवर हैं सुनिए, हमारी जनता सुनिए, हमारे जो युवा खास करके पीढ़ी सुनिए, फिर से एक बार बताना चाहेंगे कुल 4022 पदों के अनुसार कांस्टेबल जेके सशस्त्र यानी कि आर्म्ड फोर्स और साथ ही साथ IRP के 1689 पद होंगे, कांस्टेबल SDRF के लिए 100, कांस्टेबल टेलीकॉम में 502, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 20 और कांस्टेबल फोटोग्राफी के लिए 22 पद है, जबकि यूटी कैडर में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस की 1689 यानी 1699 रिक्तियां हेड डिवीजन कैडर के में जम्मू के लिए 1249 यानी 1249 पद और कश्मीर के लिए 440 पद शामिल है।
फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है, क्योंकि 2019 के बाद इतना बड़ा लंबा अरसा रहा, इतना बीच में काफ़ी गैप पड़ गया, जिसके चलते हमारे युवाओं का मनोबल टूटा। क्योंकि वो युवा जो जो कि योग्य हैं, जो अपनी जम्मू कश्मीर या जनता को सर्व करना चाहते हैं बेल्ट मोर्स के माध्यम से, और कहीं ना कहीं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, और कई लोग ऐसे भी खास करके ग्रामीण क्षेत्र के युवा के लगातार रिक्तियाँ नहीं भी, पोस्टें नहीं भी एडवर्टाइज हुई, उसके बावजूद भी वो अपनी फिजिकल की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए भी एक सुनहरा अवसर है, और इस अवसर का आप जरूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 4022 जो रिक्त एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्टें हैं कांस्टेबल की, और अलग अलग हमने आपको बताया कौन कौन सी पोस्टें हैं, जम्मू जेके एसएसबी को ये पोस्टें जो है ये रेफर कर दी गई हैं, और जल्द ही यानी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप इनमें भागीदारी दे सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 2019 के बाद ये आज यानी दूसरी बार, ये पहले 2019 में और उसके बाद अब ये पोस्टें जो है एडवर्टाइज हुई हैं। फिलहाल जो हमारे युवा समय देख रहे हैं, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और इसके रिगार्डिंग जो और भी जो खबर आएगी वो हम आपके समक्ष जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य युवाओं तक भी, युवा युवतियों तक भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो इस काबिल हैं, जो बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं, जो दिल से चाहते हैं हम देश की सेवा करें, देश की जनता की सेवा करें, तो उनके लिए मौका है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।